बिहार जाति जनगणना पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट से आया ऐसा फैसला, दोनों पक्ष कैसे हो गए चित। नीतीश कुमार और याचिकाकर्ताओं को लगा झटका। बिहार में जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो नीतीश कुमार और याचिकाकर्ताओं दोनों को चित कर दिया है। पटना हाई कोर्ट से एक पक्ष को जीत मिली थी तो दूसरे पक्ष को हार। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी तकरीबन ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर याचिका डाली गई थी, जिसमें निजता के उल्लंघन का आरोप लगा था। जाति जनगणना से संबंधित इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्ट की बेंच में हुई। इस बेंच ने बिहार में हुई जाति गणना की रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से इस पर नोटिस जारी कर रिपोर्ट भी मांगा है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई अगले साल तक के लिए टाल दिया है। अब इस केस की सुनवाई अगले साल जनवरी के महीने में की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए इस फैसले से देश की राजनीतिक हवा गर्म हो चुकी है। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं BJP के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी और बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस जनगणना के माध्यम से, इस सर्वेक्षण के माध्यम से जो बिहार ने नजीर पेश की, जिसके बारे में एक दैनिक में आज तेजस्वी जी ने एक पूरा उसका खाका खींचते हुए एक लेख लिखा, किसी के विरोध में नहीं है। इससे एक बेहतर संवेदनशील समाज बनेगा। और उन्होंने तो यहां तक आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी भी आगे बढ़ करके इन आंकड़ों को गले लगाएं, इन आंकड़ों का स्वागत करें, क्योंकि तभी एक बेहतर समाज जिसकी संकल्पना 50 वर्ष 60 वर्ष पूर्व की गई थी, जो संविधान में सन्निहित है, वो हासिल कर पाएंगे। ये हाई कोर्ट तो न्यायालय का न्याय निर्णय है, उस पर हम लोगों को क्या कमेंट। लेकिन हम लोग जैसे लोग जो इसके पक्षधर हैं उनके लिए खुशी की बात है। ये जाति आधारित जो सर्वेक्षण को लेकर जो आंकड़ा था, प्रकाशन जो था, उसको लेकर भी इनकार कर दिया। हाँ, तो अच्छी बात है ना, जो लोग जातीय गणना के पक्षधर हैं, जो नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर रहे हैं, जिस नीतीश कुमार ने इस देश में दो प्रदेश में पहली बार अति पिछड़ों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर सबल बनाने का काम किया, दलितों को आरक्षण देकर सबल बनाने का काम किया, महिलाओं को आरक्षण देकर सबल बनाने का काम, उनके लिए खुशी का दिन है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई नोटिस किया तो जवाब बिहार सरकार देगी। और जब जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ तो सभी पार्टियां इस पे सहमत थी, और हमारी ही सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ था। लेकिन अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज हैं, और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखलाया जा रहा है। जितनी उनकी वार्षिक संख्या का उनको आकलन था उसे बहुत कम संख्या को दिखाया जा रहा है। उन्होंने ही जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बिहार के कोई जाति, एक जाति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सही सर्वेक्षण हुआ। एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है, किसी के घर पे जाइए, वो साफ तौर पर कहेगा कि ये जो जातीय सर्वेक्षण का काम नीतीश बाबू ने किया, किसके लिए किया, ये सिर्फ तुष्टीकरण है। 36% दिखा दिया कि अति पिछड़ा है, उसमें तो 8% कौन है ये तो बताओ, यही जानना है। ये सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश कुमार ये नाटक करा रहे हैं। यदि गरीबों का कल्याण करना है तो गरीबों का पूरा ब्यौरा यदि पंचायत और ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध नहीं होगा, कोई साइट पर उपलब्ध नहीं होगा, तो हम कैसे जांच कराएंगे, कैसे गरीबों को कल्याण करेंगे। ये सब नीतीश और लालू जी को संरक्षण देने की व्यवस्था है और कुछ नहीं है। हालांकि दोनों पक्ष के नेता आप चाहे जो कहें, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नीतीश कुमार को नोटिस देकर चित कर दिया है। वहीं जाति गणना की रिपोर्ट पर रोक से इनकार कर याचिकाकर्ताओं को भी झटका दे दिया है। ऐसे में अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिक गई है, जो कि 2024 के जनवरी में होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।